Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Rural College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a short but relevant and important topic, that is Principles of Mental Health. यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के क्या नियम सिद्धांत हैं, मतलब किन सिद्धांतों पे आप काम करें तो मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा हो सकती है, उसको सुधारा जा सकता है. तो चूंकि मेंटल हेल्थ पे मैं आपसे पहले भी बात कर चुकी हूँ, मेंटल हेल्थ का कंसेप्ट क्या है, कितने डायमेंशंस को वो अपने आप में समाहित किए हुए है, ये सारी बातें, इवन कोविड के बाद कैसे बच्चों की मेंटल हेल्थ बिगड़ी है, टीचर्स की कैसे कोप करने के लिए, बहुत कुछ, दो वीडियोस हैं पूरे इस पे, आप इसको पढ़कर, मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक डाल दूंगी, तो आप वहां से बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं. यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ स्ट्राइक करूंगी, इसलिए क्विकली आपसे ये टॉपिक कवर करने की कोशिश है. देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ, सवाल कैसे पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ, या वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेंगे कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, हाउ एज अ टीचर यू कैन इनहेंस द स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, यानी कि जोड़ के पूछेंगे या तो लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट नोट्स पूछेंगे ना, इसमें ऐसे कोई घुमा के पूछने वाला सवाल नहीं है. इसलिए टू द पॉइंट, क्या चीज है, क्या पॉइंट्स है जो आपको लिखने, बस वो जानिए और लिखिए उसको. तो प्रिंसिपल वन कहता है, यानी आठ हैं ये सिद्धांत, है ना, एक आपको फ्लो चार्ट से बनाएंगे तो यही दो आपको लिटरेचर में ज्यादा मिलेंगे, आप सर्च करेंगे तो ये दोनों मैं आपसे शेयर कर दे रही हूँ, आपका काम चल जाएगा. तो जो पहला सिद्धांत है, पहला नियम है, नियम तो लॉ हो गया, पहला सिद्धांत है इसका, पहला प्रिंसिपल, मैक्सिमाइज एक्सेस एंड इंक्लूजन. देखिए, मेंटल हेल्थ को फिर भी आपसे क्विकली एक मैं आपसे शेयर कर दे रही हूँ. भाई फिजिकल हेल्थ क्या है, फिजिकल हेल्थ यानी कि आपकी शरीर में आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई बीमारी नहीं है. WHO की जब आप डेफिनेशन पढ़ते हैं तो कहते हैं मियर एब्सेंस ऑफ इलनेस इज नॉट कि आप हेल्दी हैं, मतलब बस ये नहीं है कि आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप स्वस्थ हैं, और भी बहुत तरीके के हो सकती हैं व्याधियाँ आपके साथ. और मेंटल हेल्थ, देखिए मेंटल हेल्थ पहले भी बिगड़ती रही है लेकिन पहले उस पर इतनी बात नहीं होती थी, अब मेंटल हेल्थ पर बात होती है, ये एक अंतर आया है. तो मेंटल हेल्थ में आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ, आपकी सोशल हेल्थ, आपकी इमोशनल वेलबींग, आपका स्पिरिचुअल, आपका साइकिक, आपका फिजिकल भी आ जाता है. तो सब कुछ है, मतलब हम कई बार ऐसा होता है ना कि हम मतलब मन नहीं लग रहा है, मन ठीक नहीं, तो ये मानसिक स्थिति है. मन आपका स्वस्थ ठीक होगा तभी आपको आपकी पूरी मतलब सफलता का दारोमदार इस पे है. फिजिकली हम फिट हैं लेकिन मेंटली हम अनफिट हैं, कहीं हमारे गलत जगह मन लगा हुआ है, कहीं हम किसी को नुकसान पहुंचाने में हमारा मन है, कहीं कोई दुविधा हमारे मन में चल रही है, तो यही सब मानसिक स्वास्थ्य बिगाड़ने के कारक हैं, वो सब नहीं होना चाहिए. तो कैसे नहीं होगा, क्या हम करें तो हम मेंटल हेल्थ और वेलबींग की ओर काम कर सकते हैं, और खासतौर से स्कूल चिल्ड्रेन की ये बात की जा रही है ना, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके मानसिक स्वास्थ्य को कैसे सुधार सकते हैं आप, तो उसके लिए कुछ सिद्धांत फॉलो कीजिए. पहला कि मैक्सिमाइज एक्सेस एंड इंक्लूजन, यानी कि हम सब तक पहुंचा सकें शिक्षा को और सबको इंक्लूड कर सकें, है ना. कह रहा है कि क्वालिटी यूनिवर्सल सर्विसेज फॉर ऑल विद एक्स्ट्रा एफर्ट डायरेक्टेड टू इंश्योरिंग एजुकेशन एंड हेल्थ एंड वेलबींग सर्विसेज आर एक्सेसिबल टू एंड इंक्लूसिव ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल एंड डिसएडवांटेज, जिसको सबसे ज्यादा दिक्कत है, जिसको जो सबसे ज्यादा विसंगतिग्रस्त है, जो सबसे ज्यादा वंचित वर्ग है, अगर आप उस तक पहुंचा देंगे तो आप मतलब उनकी मेंटल हेल्थ आप सुधार सकते हैं, है ना. फिर प्रिंसिपल टू, फोकस ऑन आउटकम्स, यानी कि हम ये इस पर ज्यादा हमारा इम्फेसिस हो कि क्या निकल के आ रहा है, क्या मिल रहा है हमको. तो हेल्थ लर्निंग डेवलपमेंट एंड वेलबींग आउटकम्स आर द फोकस व्हेन डिजाइनिंग डिलीवरिंग एवेल्युएटिंग एंड इम्प्रूविंग एजुकेशन एंड हेल्थ एंड वेलबींग सर्विसेज, यानी कि जब हम शिक्षा की योजना बनाएं, जब हम जन कल्याण की, कल्याण भावना की सेवाएं और स्वास्थ्य की सेवाओं के बारे में सोचें, तो हमारा फोकस इस पर होना चाहिए कि क्या निकल के आ रहा है. तो आप ये मान के चलेंगे अगर फोकस आउटकम पे होगा तो निश्चित रूप से ये मेंटल हेल्थ सुधारने के लिए या मेंटल हेल्थ का एक विशेष प्रिंसिपल है आप कह सकते हैं. फिर इविडेंस, तीसरा क्या है, इविडेंस इन्फॉर्म्ड एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस. इसका क्या मतलब है, इविडेंस इन्फॉर्म्ड यानी कि जो हमको इविडेंस मिला है, उस इंफॉर्मेशन मिली है, उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं, यानी कि करंट एंड रेलेवेंट इविडेंस नोन टू बी इफेक्टिव इन इम्प्रूविंग आउटकम्स. भाई हमको जब सही सूचना मिलेगी तभी तो हम उसके निराकरण के लिए काम करेंगे, तो इससे हमारा आउटकम सुधरेगा, ये हमको पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करेगा, प्रोफेशनल प्रैक्टिस में हेल्प करेगा. And research and evaluation is undertaken to generate evidence and enable effective and reflective practices. इसके लिए क्या जरूरी है कि आप अनुसंधान करें, आप evaluation करके देखें, मूल्यांकन करके देखें कि हम evidence based information पहुंचा सके ताकि सही policy का निर्माण हो सके. सिर्फ इतनी सी बात है.
फिर होलिस्टिक अप्रोच, यानी कि हमको टिट बिट्स में काम नहीं करना है, होलिस्टिकली काम करना है. तो होलिस्टिकली कैसे काम कर पाएंगे, जब आप कोलैबोरेशन में काम करेंगे, मिलजुल कर, सहयोग से, बिटवीन सर्विसेज एंड मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस परस्यू टू मीट द नीड्स ऑफ चिल्ड्रेन, यंग पीपल एंड फैमिलीज एंड देयर हेल्थ, वेलबींग एंड लर्निंग गोल्स. यानी कि हमको उनके हेल्थ का भी ध्यान रखना है, उनकी वेलबींग का भी ध्यान रखना है और उनके लर्निंग गोल्स का भी ध्यान रखना है. इसके लिए हम फैमिली का भी कोलैबोरेशन लेंगे, मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोफेशनल प्रैक्टिसेज से भी सहयोग लेंगे, सर्विसेज से, सबका आपस में जुड़ के होलिस्टिकली अगर हम उनके लिए काम करेंगे तो बेहतर होगा. फिर पर्सन सेंटर्ड एंड फैमिली सेंसिटिव प्रैक्टिस. पीपल आर सीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ देयर फैमिलीज एंड एनवायरनमेंट एंड आर सपोर्टेड एंड एम्पावर्ड टू लीड एंड सस्टेन हेल्दी लाइफ्स. यानी कि फैमिली सेंसिटिव प्रैक्टिस ना, ये मेंटल हेल्थ थोड़ा सा इस तरीके का इशू है कि कुछ छुपा के रखना है, कि बाहर निकालना है, कि उसको एक्सपोज करना है, तो सेंसिटिव मुद्दा है. तो ये पर्सन सेंटर्ड है, आप इसको ये नहीं कह सकते कि ग्रुप में आप इसकी बात करेंगे, व्यक्ति के हिसाब से, परिवार से ये सेंसिटिव मुद्दा है, तो उस तरीके की आपको प्रैक्टिसेस भी करनी होंगी. और पार्टनरशिप विद फैमिलीज एंड कम्युनिटीज का मतलब, चूंकि देखिए स्कूल में, विद्यालय में तो बच्चे ने थोड़ा ही समय बिताना है ना, बाकी समय तो उसे घर पे रहना है, तो और वो समुदाय, उस सोसाइटी, वो कम्युनिटी जिससे वो बिलोंग करता है, तो उनसे आप पार्टनरशिप करेंगे तभी बेहतर काम उसके लिए कर सकते हैं. पार्टनरशिप्स आर फोर्स्ड विद चिल्ड्रेन, यंग पीपल, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज हु आर सीन एज पार्टनर्स इन द क्रिएशन ऑफ हेल्दी इन्वायरमेंट्स एंड गुड हेल्थ एंड वेलबींग. क्यों? क्योंकि वो उनके संग पार्टनरशिप करके उस बच्चे के लिए, उस विद्यार्थी के लिए एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण कर सकते हैं, इसलिए कोलैबोरेशन या पार्टनरशिप जरूरी है. फिर कल्चरल कॉम्पिटेंस, मतलब एफर्ट इज मेड टू अंडरस्टैंड एंड इफेक्टिवली कम्युनिकेट विद पीपल अक्रॉस कल्चर्स एंड टू रिकॉग्नाइज वन्स ओन वर्ल्ड व्यू. कल्चरल कनेक्शन इज रिकॉग्नाइज्ड एज प्लेइंग एन इंटीग्रल पार्ट इन हेल्दी डेवलपमेंट एंड वेलबींग. यानी कि साहित्य, सांस्कृतिक दक्षता है ना, कि हमको संस्कृति, देखिए हमारा जो भी बिहेवियर है, हमारा वेलबींग है, हमारा लिविंग स्टाइल है, सब संस्कृति से गवर्न होता है. तो कल्चरल कॉम्पिटेंस भी का भी इसमें रोल है, क्योंकि कल्चरल कनेक्शन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और कमिटमेंट टू एक्सीलेंस, हाई एक्सपेक्टेशंस आर हेल्प फॉर एवरी चाइल्ड एंड यंग पर्सन. प्रोफेशनल्स कंटिन्यूली असेस देयर ओन वर्क प्रैक्टिसेस टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट. मतलब हम एक्सीलेंस के लिए कमिटेड रहें, ये नहीं कि बस थोड़ा बहुत हो जाए, एवरेज नहीं, हमको हाई एक्सपेक्टेशंस रखनी है ईच एंड एवरी चाइल्ड के लिए, तब उसके संग कोई दिक्कत, कोई मेंटल प्रॉब्लम, कोई मेंटल इश्यू होगा तो उसके निराकरण के लिए हम, मतलब यू कैन से कि फोर्स्ड होंगे करने के लिए, कमिटेड होंगे कि उसको सुधारना है. ओके, फिर आप एक इस फ्लो चार्ट से भी देख सकते हैं, आप इसको लिटरेचर सर्च में ढूंढेंगे तो आपको यही वाला फ्लो चार्ट ज़्यादा दिखेगा प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ में. देखिए ये सारे प्रिंसिपल्स हैं मेंटल हेल्थ के लिए. सबसे पहली बात क्या है, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट. सबसे बड़ी की बात, जो भी आपका इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसका लीडर और उसका मैनेजमेंट चाहेगा तभी आप मेंटल हेल्थ के लिए काम कर पाएंगे, मेंटल हेल्थ कहीं आपके फोकस में भी होगा. तो लीडरशिप और मैनेजमेंट उस दिशा में काम करने वाला होना चाहिए. फिर करिकुलम टीचिंग एंड लर्निंग, क्या पढ़ा रहे हैं, किस माइंडसेट से पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ाने जा रहा है, जो पढ़ाने जा रहा है वो कितना किसी खास ग्रुप, किसी खास जाति, किसी खास रंग भेद नस्ल के लिए, उसके मन में कोई पूर्वाग्रह तो नहीं है, कोई प्रेजुडिस तो नहीं है, जेंडर कोई उसके दिमाग में कोई इस तरीके का कनोटेशन तो नहीं है कि इस तरीके का कुछ उसको मेंटल हेल्थ बिगाड़ने का काम करना है. देखिए मेंटल हेल्थ की जब भी हम स्टूडेंट के लिए बात करेंगे तो टीचर की मेंटल हेल्थ पहले सही होनी चाहिए, तभी जाके वो क्लासरूम में जैसा ट्रांजेक्शन करेगा उसको बच्चे वैसे ग्रैस्प करेंगे स्टूडेंट्स, और उनकी मेंटल हेल्थ सही रहेगी. तो हमें पूरा अपना करिकुलम का निर्माण उसी तरह से करना है, टीचिंग लर्निंग सब इस फोकस के संग करनी है कि मेंटल हेल्थ के संग कोई खिलवाड़ ना हो और सब सही रहे. इथॉस एंड एनवायरनमेंट, पूरे कॉलेज का, पूरे स्कूल का इथॉस ही उस तरह से दिखना चाहिए, हर चीज में, हर बात में, हर कार्यक्रम में ये दिखना चाहिए कि स्टूडेंट को सपोर्ट किया जा रहा है, इस तरीके का फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट है, ये सारी बातें इसके अंतर्गत आती हैं. फिर आइडेंटिफाइंग नीड एंड मॉनिटरिंग इम्पैक्ट, पहले तो ये कोई इस तरीके की सर्विस हो, कोई इस तरीके की आपको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है कि किसी बच्चे के संग अगर कोई दिक्कत है तो उसकी आवश्यकता को पहले आइडेंटिफाई करें कि हाँ पता चले कि इन इन बच्चों के संग दिक्कत है, फिर आप उसको काउंसलर को रेफर कर सकते हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट को रेफर कर सकते हैं, कोई स्पेशल टीचर हो सकता है जो मेंटल हेल्थ का, जिसके पास स्पेशलाइजेशन हो ताकि वो बात कर सके. तो पहले तो नीड को आइडेंटिफाई करना है और मॉनिटरिंग इम्पैक्ट, और हमको देखना है, ये मॉनिटर करना है कि हमने जो सर्विस उसको प्रोवाइड की वो उसके कामगर है कि नहीं. फिर टारगेटेड सपोर्ट एंड अप्रोप्रिएट रेफरल्स, इसमें भी ये है कि हमारा जो सपोर्ट होगा वो टारगेट बेस्ड होगा, ये नहीं कि सबको एक तरीके का सपोर्ट नहीं देंगे जिसकी बात पीछे हो रही थी.
टारगेटेड किसको कैसा सपोर्ट चाहिए ये आपको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आप उस तरह से सपोर्ट करेंगे तो आउटकम आपका निकल के आएगा सही जो आप चाहते हैं। फिर वर्किंग विद फैमिलीज पेरेंट्स एंड केयरर्स, ये बात पहले भी हो गई, क्यों? क्योंकि बच्चे को बहुत सारा समय घर पे भी बिताना है तो उसके माँ बाप, उसका परिवार, उसके जो केयर टेकर हैं उन सब के साथ आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको किसी विशेष बच्चे की किसी विशेष मानसिक दिक्कत के बारे में पता चल सकता है और उसके समाधान के लिए प्रयास हो सकता है। फिर स्टूडेंट वॉइस, मतलब हमको ऐसा ना डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट रखना है कि हर बच्चे के संग अगर कोई दिक्कत है तो वो पहले ही अपने टीचर को आके बता सके, उसकी उसकी वॉइस को सुना जाए, उसको उसको आप मोटिवेट करें कि आपको कोई भी दिक्कत है तो हम हैं यहाँ आपकी मदद के लिए, आप हमसे आके कहिए। तो स्टूडेंट की वॉइस का सपोर्ट इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एंड स्टाफ डेवलपमेंट, हेल्थ एंड वेलबींग, जो भी स्टाफ रिक्रूट है उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उसके भी डेवलपमेंट, हेल्थ एंड वेलबींग का आप ध्यान रखेंगे। हेल्दी माइंडसेट ही जाकर एक हेल्दी माइंड, हेल्दी इन्वायरमेंट यू कैन से क्रिएट कर सकता है। तो ये भी 8 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यस ये भी 8 हैं, वो भी 8 हैं। तो आपको दोनों मिला के कोई एक फ्लो चार्ट के थ्रू कैसे भी करके अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, नहीं तो अगर आप मतलब सिर्फ मेंटल हेल्थ का कंसेप्ट जानेंगे ना तो प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ कैसे लिख पाएंगे, बना के तो लिखेंगे नहीं, नहीं तो बना के लिखेंगे तो फिर इधर का उधर लिखेंगे उल्टा पुल्टा, तो वो काम आपको नहीं करना है। आप जानिए, पहले समझिए कि मेंटल हेल्थ एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है और मेंटल हेल्थ के लिए आपको पूरा एनवायरनमेंट में स्कूल के कॉलेज के वो इथॉस दिखना चाहिए कि हर बच्चा हर बच्चे की मतलब पहचान है, उसकी आइडेंटिटी है, उसकी वर्थ है, उसकी वैल्यू है, उसके लिए सारा काम हो रहा है। लीडरशिप और मैनेजमेंट वैसा है, करिकुलम टीचिंग वैसे दी जा रही है, एनवायरनमेंट में वो बातें घूम रही हैं, हम नीड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, हम उनको सपोर्ट दे रहे हैं, हम इवन उनके घर परिवार से भी मिलजुल कर काम कर रहे हैं बच्चे के लिए, बच्चे की वॉइस को सपोर्ट दिया जा रहा है और जो स्टाफ है वो भी उसका भी डेवलपमेंट, हेल्थ एंड वेलबींग देखी जा रही है। तो निश्चित रूप से जो विद्यार्थी है उसकी मेंटल हेल्थ को कोई नुकसान नहीं होगा और अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत है तो वो सुधार भी ली जाएगी। ठीक है, तो छोटा कंसेप्ट था, जानबूझ के मैंने बहुत टेक्स्ट इसमें नहीं रखा है बिकॉज बहुत लेंदी हो जाता है, ये आपके सामने, आप इसको चाहे शॉर्ट में लिखिए, चाहे लॉन्ग में लिखिए, चाहे एलिबोरेट कीजिए, बट आप कंसेप्ट समझिए कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ हैं। ठीक है, ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माई साइड।